तुझे मालूम है मैं संजू भैया की टीम में क्यों आया? तू आया तुझे ही मालूम होगा ना, मुझे क्या पूछ रहा? क्योंकि संजू भैया इरादों के पक्के हैं, दिल के सच्चे हैं और गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। चल चल ज्यादा फेंक मत। संजू भैया ये नहीं मान रही है, आप जरा ए शिवानी सुना दीजिए ना, तब ये मानेगी। बच्चे लोग तुमने कभी काला ताजमहल देखा है? कभी बिना पानी का समुंदर देखा है? रसगुल्ले से रसगुल हो जाए तो पता है कैसे दिखता है? कैसा वो देखो, जीता जीता जागता नमूना मिस शिवानी। ए शिवानी तू लगती है नानी, तू आइटम पुरानी। ए शिवानी भूल गया। अजय भैया कैसा लगा हमारी टीम के संजू भैया का गाना? अब वो अच्छा गाते हैं, मैं क्या बोलूं, बट बहुत अच्छा गाते हैं। शरीफ लोगों की टीम अच्छी है। ये खुद नहीं मान रहे कि ये लोग शरीफ हैं, तो आप हमसे कैसे मनवा रहे हैं? आप पूछिए शरीफ हैं? ये लोग बहुत कंफ्यूज हैं, इनको पता ही नहीं कि शरीफ है या बदमाश है। हम शरीफ है ना भैया? देखो एक किस्सा है दादा। हाँ। लगे रहो मुन्ना भाई में। हाँ। मुन्ना भाई खड़े हैं, ठीक है, सिक्योरिटी वाला आता है, मुन्ना को एक तमाचा मारता है, तो सर्किट बोलता है भाई, बोलता है नहीं यार बापू ने क्या बोला था? बोला कि बापू ने बोला था अगर यहां मारे तो यहां पे भी गाल दे देना चाहिए। तो मुन्ना गाल आगे कर देता है, सिक्योरिटी वाला फिर मारता है, मुन्ना क्या करता है मुक्का दे देता है। सही। तो सर्किट बोलता है ए भाई ये क्या कर रहे हो? बोला ए सर्किट दो के बाद क्या करने का ये बापू ने नहीं बोला था। सही बात है। देखिए सौ बात की एक बात, संजू भैया बहुत अच्छा गाना गाते हैं लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग भी है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे दुख झेले हैं फिर भी अपने पापा के बताए रास्ते पर चलते हैं, है ना संजू भैया? बिल्कुल सही बोला बेटा। और जो आदमी दुख झेलता है उससे उसे कुछ सीखना चाहिए, तो मैं सब बच्चों से कहूंगा कि जिंदगी में सीखो और आगे बढ़ो।